कौन आ गया भैया? टिल्लू आ गया। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। टिल्लू पूर्व की ओर चलकर एक चौराहा क्रॉसिंग पर पहुंच जाता है। कोई बात नहीं, मेरा टिल्लू कोई दोस्त है, मेरा कोई टिल्लू दोस्त है, वो क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाता है। ध्यान से समझो भैया, इस पे हमें डायरेक्शन दिया है किधर चलना है, पूर्व की ओर चलना है। कितने प्यारे भाइयों को इसका आंसर आता है, कमेंट करो, कमेंट करो, कितने प्यारे भाइयों को इसका आंसर आता है। कह रहा है टिल्लू पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचता है, वह विद्यालय जाना चाहता है। भैया ये भी विद्यालय जाना चाहता है, ये भी विद्यालय जाना चाहता है। कोई बात नहीं, ध्यान समझो। कह रहा है उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, बार बार बोलो, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क हो जाती है। अभी हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय पार्क, उत्तर पार्क, दक्षिण पार्क, सब बता डालेंगे, सबको समझेंगे। किस दिशा में विद्यालय है? अब भैया अगर हम बोले कि किस दिशा में विद्यालय है, तो भैया विद्यालय की बात करें, अब हम फिर से विद्यालय पहुंचेंगे, अब की बार अस्पताल नहीं जाना है। ध्यान देना है कि भैया हमें अस्पताल नहीं जाना है, विद्यालय जाना है। और एक बार फिर से यहां पे मेरा मन भटकने की चीज आ गई, पार्क जाना है। कहां जाना है? पार्क जाना। वहां पे क्या था? वहां पे था हमारा सिनेमा घर, जहां पे गदर लगी थी। कौन लगी थी? गदर लगी थी। तो वहां पे लोग गदर भाग गए थे देखने। अब यहां पे आएगा, कुछ जाएंगे पार्क में घूमने, भाग जाएंगे, कोई क्रिकेट देखने चला जाएगा, कोई किसी से मिलने चला जाएगा। वहां पे अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि हमें सही डायरेक्शन कहां जाना है। समझो भैया, हमें विद्यालय जाना, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको जाना तो कहां जाना है, विद्यालय जाना है। बिल्कुल ना भूलना कि भैया विद्यालय जाना, मैं डाक डाक कर देता हूं, बिल्कुल मत भूलना कि भैया आपको पहले कहां जाना होगा, आपकी बात विद्यालय जाना होगा। बहुत आपने मजाकस्ती कर ली, बहुत आपने मजाकस्ती कर ली, अब की बात तुम्हें जाना तो जाना है विद्यालय, अब की बात पिक्चर नहीं देखनी है, अब की बात आपको राष्ट्रीय पार्क नहीं जाना है, अब की बात अस्पताल नहीं जाना है। हमें जाना कहाँ है? विद्यालय जाना है, यानी कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। कितने प्यारे भाइयों को ये बात समझ में आ रही है, और आप भी इसी चीज को फॉलो करोगे जो चीज मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से समझो मेरे भाई। कह रहा है टिल्लू पूर्व की ओर चलकर एक चौराहा। भैया अगर हमारे पास ये टिल्लू है, कौन है भैया? टिल्लू है, और कह रहा है कि पूर्व की ओर, पूर्व हमारा ये होगा मेरे भाई। अभी आपको मैंने फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हम फिर से बात करें तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व, और ये हमारा हो गया पश्चिम। ठीक है, कह रहा है टिल्लू पूर्व की ओर, पूर्व हमारा ये हो गया। अब कह रहा है एक क्रॉसिंग, मतलब कि यहाँ पे आ गया, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, चौक आ गया, चौराहा आ गया। कह रहा है उसके सामने वाली सड़क बाजार की ओर जाती है, मतलब वह इसके सामने वाली कहां को जाती है, बाजार को जाती है। भैया मार्केट आ जाओ, बाजार को जाती है, बाजार में बाहर आता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी की जरूरत ना। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाती है। अब मेरे भाई अगर मैं ऐसे गया तो बाईं ओर ऊपर की ओर होगा, यानी कि ये होगा। बाईं ओर वाली सड़क किधर को जाती है? बाईं ओर वाली जो सड़क है ना, वो जाती है भैया राष्ट्रीय पार्क को जाती है, राष्ट्रीय पार्क को जाती है। ठीक है, अब कह रहा है किस दिशा में विद्यालय होगा, तो मेरे भाई यहां से चले थे तो विद्यालय हमारा यहां पे होगा। क्या हमारा दक्षिण दिशा में विद्यालय होगा? क्या हमारा दक्षिण दिशा में विद्यालय होगा? क्या कितने पहले भाई बताएंगे कमेंट करके, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण दिशा। कहां पे हो जाएगा? दक्षिण दिशा। क्या आंसर हमारा ए आने वाला है? एक बार कमेंट करो कि आपका आंसर क्या दक्षिण आने वाला है। बिल्कुल दक्षिण आने वाला है, जो आंसर होने वाला है वो दक्षिण होने वाला है। कमेंट करो, बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही है, और आपके हर एक कॉन्सेप्ट गामा के क्लासेस कंप्लीटली आपको करा रहा है, हर एक टॉपिक को ऐसा कराता है कि आपके माइंड में छप जाने वाला क्वेश्चन होता है, माइंड में बिल्कुल भी वो रेज नहीं होगा जो आप क्लास में देखेंगे। 100% बता रहा हूं, चीजें समझ में आएंगी, प्यार से बोल रहा हूं।